सिवनी जिले के घनसौर में एकलव्य आवासीय विद्यालय बालक छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक सुन्नी लाल उइके के ऊपर कई आरोप लगे हैं। एक बार फिर वो विवादों में है। आरोपों के मुताबिक नियमों के अनुसार जिस पद पर अधीक्षक महोदय पदस्थ है उस पद में नियमानुसार यूडीटी या प्रधान अध्यापक की आवश्यकता होती है, जबकि वो सहायक शिक्षक है। आरोप है कि सत्ताधारी दल से अच्छे रिश्तों के चलते उन्हें इस पद पर लाया गया। ऐसा लोग है, कहते हैं कि एकलव्य विद्यालय में जो आवासीय जो छात्रावास है और जो वहाँ के अधीक्षक हैं उनकी जो नियुक्ति को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं और इसकी कई बार जांच भी हुई इस मामले को लेकर, मगर अधिकारियों का हीला हवाली करते हुए अभी वो वहाँ पर स्थापित है। नियुक्ति तो अधिकारी करते हैं और इनका कई बार इनका मामला सुनने में आया है कि इनका जब इनकी नियुक्ति होती है एकलव्य विद्यालय आवासीय विद्यालय में नियुक्ति होती है वो अधिकारियों के और उनकी योग्यता के अनुसार नियुक्ति की जाती है। वो लेकर तो कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी जनप्रतिनिधि ने भी कई बार मामला उठाया, मगर जांच केस में आया मामला गुल मुल करके मामला शांत कर दिया गया। अशोकनगर का करीला मेला भारत का सबसे बड़ा आयोजन है। इस आयोजन में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। राय नृत्य की धूम पर भगवान राम के पुत्र लव व कुश के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान सीता माता के पुत्र का यहां पर जन्म हुआ था और खुशी में अप्सराओं ने यहां पर नृत्य किया था, जिसके बाद माता सीता ने लोगों को आशीर्वाद दिया कि इस स्थान पर नृत्यांगनाओं के द्वारा जो भी व्यक्ति नृत्य कराएगा उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ग्वालियर किले में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। ये युवक गुजरी महल से नीचे गिरा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बाहुड़ापुर पुलिस मौके पर पहुंची। मरने वाले की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई। मृतक के हाथ में